फिटनेस कितनी ज़रूरी है, और ये एक इंस्पिरेशन है हमारे यहाँ जितने हमारे यंगस्टर्स आज यहाँ देखने आए हुए उनके लिए भी, और जो इसको टीवी पर भी देख रहे हैं कि फिट रहना बहुत आवश्यक है। फिट रहिएगा तो सभी बीमारियों से दूर रहिएगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। आनंदेश्वर पांडे जी जो हैं इनको अपना वरद हस्त इस पे एसोसिएशन पर रखे हुए हैं, आगे भी इसी तरह से रखे रहें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ होती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। फेडरेशंस एशिया फेडरेशंस के इंडियंस और अपने जितनी भी जजेस हैं सबको मेरा प्रणाम। सर ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जो फिट इंडिया के चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, मैं कहूँ तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पोर्ट अधिकारी हूँ, मैं उसमें भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे खिलाड़ी भर्ती किए जाएँ, कि वो बॉडी बिल्डिंग में है, चाहे वो रेसलिंग में है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर खेल प्रचलित है उसमें मेरा प्रयास है कि सभी में भर्ती किए जाएंगे। मेरा अधिकारियों से समन्वय चल रहा है कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती किए जाएंगे। और ये जो कंपटीशन हुआ बहुत अच्छा लगा है लखनऊ के अंदर बॉडी बिल्डिंग का, और ये आगे इस तरीके से होता रहेगा। और जितने भी हमारे फेडरेशन के लोग हैं जिन्होंने भी कराया है उनको बहुत बहुत बधाई, और मेरा जो सही होगा मैं करता रहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। प्रदेश अध्यक्ष के नाते से झुकाकर सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन पहली बार लखनऊ में हो रहा है। मैं विशेष रूप से यहां आई नारी शक्ति को भी प्रणाम करता हूं। साथ में युवाओं का शारीरिक स्वास्थ्य हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों में भी लगातार प्रगति कर रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके बॉडी बिल्डिंग को भी हमारे देश में एक नई पहचान दिलाई है। साथियों, हमने कई बार देखा है कि पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी गाँव से निकल कर आते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ आए हुए कुछ खिलाड़ी का भी संबंध ग्रामीण भारत से भी होगा। शहर के साथ साथ गांव के खिलाड़ी प्रतिभा बढ़ावा देने के लिए माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के खेल का मैदान व ओपन जिम स्थापित करने का फैसला किया है, और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसी प्रकार मोदी सरकार के फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियान देश में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं।